एवरीवन, सॉरी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो लास्ट लेक्चर में हम लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे थे। क्वेश्चन नंबर 4 तक हमारा हो गया था। कुछ डाउट है आप लोगों को लास्ट लेक्चर का? कुछ डाउट्स है प्रोबेबिलिटी का? और किसी को डाउट था कि ये मतलब यहाँ पे जो भी मतलब टू बॉल्स सेलेक्ट किया था तो इसमें रेड के लिए R1, R2, R3, R4 ऐसा क्यों नहीं लिखा हमने, और ब्लैक के लिए B1, B2 ऐसा क्यों नहीं लिखा? क्योंकि देखो इसमें हमें ना क्या करना है, सिर्फ दो बॉल्स को यहाँ पे मतलब सेलेक्ट करना है, और इसमें ना ऐसा मतलब 5 रेड है 2 ब्लैक है, और हमें सिर्फ और सिर्फ दो ब्लैक मतलब सॉरी दो बॉल्स को सिलेक्ट करना है। अब वो R1 हो, R2 हो, R3 है, इनसे हमें नहीं मतलब सिर्फ कलर से हमें यहाँ पे कलर डिपेंड था, कलर क्या होना चाहिए, ब्लैक होना चाहिए। सो अगर दो बॉल सिलेक्ट करेंगे 7 बॉल्स से, तो अब उसमें कैसा हो जाएगा ना, सिर्फ दो बॉल हमें सिलेक्ट करना है तो कैसा हो जाएगा, यहाँ पे रेड में से कोई भी आ सकता है, बट कलर तो रेडी होगा दोनों के लिए, तो दोनों या तो रेड हो सकते हैं या फिर एक रेड एक ब्लैक और एक ब्लैक एक रेड, और या फिर दोनों भी क्या होंगे, ब्लैक ब्लैक हो सकते हैं। ठीक है, इसमें R1 R2 R3 नहीं कंसीडर करना सर, है। सर सर, हेलो सर, मुझे सिर्फ एक बार पूछना था कि अगर हम लोग 3 कॉइन टॉस करते और या फिर 4 कॉइन टॉस करते, ठीक है, जी तो जी जी हाँ, N of S निकालने के लिए हम लोग को पता कैसे चलेगा कि 3 कॉइन के लिए 8 आउट का माना चाहिए और 4 कॉइन के लिए 16 आउट का माना चाहिए? कुछ है क्या उसका फॉर्मूला या कुछ मल्टीप्लिकेशन? टू रेस टू, वैसे तो मतलब 2 रेस टू n होता है फॉर्मूला वैसे, क्योंकि अगर देखो 3 कॉइन्स के लिए 2 रेस टू 3 करोगे तो 8 आता है, और 2 रेस टू 4 करोगे तो 16 आता है। नहीं समझा? अच्छा, हाँ सर समझा। हाँ बट कैसा है ना कि ये मतलब 2 मतलब 4 कॉइन तक ही वैसे आएगा, उसके बाद में नहीं आएगा, और पहले के सिलेबस में ऐसे मतलब था नहीं ये, जैसे सिर्फ 3 कॉइन्स तक ही था यहाँ पे, बट आप लोगों के मतलब पोर्शंस में इस बार 3 कॉइन्स तक दिया गया है। अच्छा, नेक्स्ट समझो है क्वेश्चन नंबर 5 7.1 का ही। क्वेश्चन नंबर 5 में ये दिया गया है स्टूडेंट्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ सक्सेस इन टू टॉसेस ऑफ अ डाई वेर अ सक्सेस इज डिफाइंड एज नंबर ग्रेटर देन फोर अपीयर्स ऑन एट लीस्ट वन डाई। बहुत इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स यहाँ पे ये। अब इसमें देखोगे तो अगर क्या दिया है, ये 2 डाइस के लिए दिया गया है। क्या बोला गया है, फाइंड क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ सक्सेस इन 2 टॉसेस ऑफ अ डाई। तो अगर हम जब दो मतलब दो बार डाई को थ्रो करते हैं, डाइस को जब हम दो बार थ्रो करते हैं, तो उसके लिए आप लोगों को पता होगा कि सैंपल स्पेस जो है वो 36 आता है। 2 टॉस हुआ है ना यहाँ पे, 2 टॉसेस ऑफ अ क्या बोला है, डाई बोला है। सो जब डाई को हम दो बार थ्रो करते हैं तो उसका जो सैंपल स्पेस होता है वो कितना आता है, 36 आता है। टू डाइज आर थ्रोन लेट एस बी द सैंपल स्पेस। आप लोगों ने स्टूडेंट्स यहाँ पे ये पढ़ा है पहले से ही, तो जो सैंपल स्पेस आएगा वो कैसे होता है, 36 कैसे आता है, 1 1 1 1, फिर उसके बाद में
वन टू वन थ्री वन फोर वन फाइव वन सिक्स, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा टू वन टू 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 थ्री टू फोर टू फाइव एंड टू सिक्स, सॉरी टू सिक्स। सेम वैसे यहाँ पे थ्री वन के लिए, थ्री टू के लिए, फिर थ्री 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 फोर थ्री फाइव एंड थ्री सिक्स, फोर वन फोर टू फोर थ्री फोर 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 फाइव एंड फोर सिक्स, फाइव वन फाइव टू फाइव थ्री फाइव फोर फाइव फाइव एंड फाइव सिक्स। लास्ट रो के लिए क्या था स्टूडेंट यहाँ पे, सिक्स वन सिक्स टू सिक्स थ्री सिक्स फोर सिक्स फाइव एंड सिक्स सिक्स। सो यहाँ पे ये टोटल जो था नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना आ जाता था 36। सो अब हम देखते हैं यहाँ पे जो सक्सेस है उसके लिए क्या कंडीशंस क्या गिवन है। सक्सेस इज डिफाइंड एज नंबर ग्रेटर देन फोर, क्या बोला गया है, जो नंबर है वो ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, फोर होना चाहिए, फोर से मोर देन होना चाहिए, अपीयर्स ऑन एटलीस्ट वन डाई, फोर से ग्रेटर देन होना चाहिए, फोर के इक्वल भी नहीं होना चाहिए, फोर से क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए। तो ऐसा देखो फर्स्ट रो में ऐसे कौन कौन से नंबर है जहां पे एटलीस्ट एक एलिमेंट मतलब एक नंबर क्या है फोर से ग्रेटर देन है। तो देखेंगे आप लोग अगर इसमें देखो दोनों में कोई भी फोर से ग्रेटर देन नहीं है, इसमें भी कोई नहीं है, इसमें भी कोई नहीं है, यहाँ पे इक्वल है, हमें क्या चाहिए ग्रेटर देन चाहिए। हाँ वन फाइव आ जाएगा, वन फोर नहीं आएगा, वन फाइव वन सिक्स आ जाएगा, क्योंकि वन फोर कैसे, फोर तो इक्वल आ रहा है ना, क्वेश्चन में ग्रेटर देन बोला है, तो ग्रेटर देन के लिए सिर्फ कौन आएगा, वन फाइव आ जाएगा और कौन आएगा, वन सिक्स आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, अब उसके लिए चाहिए तो कोई मतलब यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं, प्रोबेबिलिटी ही कैलकुलेट करना है ना, तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे लेट एक्स नंबर ऑफ नंबर ग्रेटर देन फोर। मीन्स ऐसे कितने नंबर है जो यहाँ पे फोर से ग्रेटर देन, सो एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स के लिए। तो अच्छा यहाँ पे क्या बोला गया है, ग्रेटर देन फोर बोला गया है ना, तो ग्रेटर देन फोर बोला गया है, तो इसमें कैसे कंडीशन होगा, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि कॉइन के लिए, कॉइन के लिए बोलते थे जैसे अब यहाँ पे एच एच है, एच टी है, टी एच है और टी टी है। अगर हमें ये पूछा जाएगा कि इसमें नंबर ऑफ हिट्स कैलकुलेट करो, सो नंबर ऑफ हिट्स स्टूडेंट हम कैसे मैक्सिमम मतलब स्टार्टिंग से काउंट करते हैं, स्टार्टिंग से काउंट करते हैं कि जो नंबर ऑफ हेड है वो इसमें देखो जीरो है, फिर इन दोनों में नंबर ऑफ हेड जो है वो वन वन है, मतलब इसमें जीरो, फिर इन दोनों में वन वन है, और लास्ट में मतलब ये जो है वो क्या आएगा टू। तो हमें क्या कैलकुलेट करना था, नंबर ऑफ हेड्स कैलकुलेट करना था, तो इसमें कैसे जीरो मिला, वन मिला, और फिर वापस वन, और फिर वापस क्या मिला, टू मिला। तो हम लोग लोअर नंबर से स्टार्ट करते हैं, सो अब ग्रेटर देन फोर के लिए भी, तो हम लोग पहले ये काउंट करते हैं इसमें कितने ऐसे नंबर है जो फोर से लेस देन है, फोर से लेस देन है या फिर फोर के इक्वल है। तो मतलब पहले जीरो आ जाएगा जो फोर से क्या हो जाएंगे, मतलब ऐसा एक ऐसा एलिमेंट जहां पे नंबर जो है वो फोर से ग्रेटर देन नहीं होंगे, ठीक है, यहाँ पे ग्रेटर देन फोर लिखा है ना, तो ऐसे कौन कौन से एलिमेंट से, ऐसे कौन कौन से इवेंट है जहां पे फोर से ग्रेटर देन नहीं होंगे। फिर उसके बाद में ऐसे इवेंट जहां पे सिर्फ और सिर्फ एक नंबर यहाँ पे फोर से ग्रेटर देन होगा। अब देखो जैसे इन सब में देखेंगे तो टू फाइव है, तो टू फाइव में से सिर्फ एक ही नंबर फाइव से फोर से बड़ा है, बट इसको देखो फाइव और फाइव दोनों नंबर जो है वो फाइव जो है मतलब दोनों भी किससे, फोर से ग्रेटर देन है। सो जैसे वन वन हो गया, इसमें एक भी फोर नहीं है, मतलब फोर से ग्रेटर देन नहीं है, इसलिए हमने जीरो लिखा, मतलब ऐसा नंबर जहां पे एक भी फोर नहीं है, मतलब फोर से ग्रेटर देन नंबर नहीं है, और वन का मतलब ऐसा इवेंट जहां पे नंबर कोई भी एक ही ग्रेटर देन होगा दोनों में से। और फिर नेक्स्ट क्या आ जाएगा टू, क्योंकि टू मतलब क्या, दोनों नंबर जो होंगे वो फोर से बड़े होंगे, ठीक है, कंडीशंस समझाइए आप लोगों को। इसका मतलब देखो जैसे एक्स का वैल्यू अगर जीरो है,
तो प्रोबेबिलिटी एट एक्स इक्वल्स टू जीरो के लिए देखो क्या हो जाएगा, मतलब ऐसे इवेंट कैलकुलेट करो जहां पे एक भी फोर नहीं है और ना एक भी, मतलब कैसे जो भी वैल्यूज है वो ग्रेटर देन, मतलब ग्रेटर देन सॉरी फोर नहीं होना चाहिए, ग्रेटर देन फोर नहीं होना चाहिए। तो देखो कि इन दोनों में ग्रेटर देन फोर नहीं है तो इसको हम लोग लिखेंगे वन वन, वन टू भी इसमें ग्रेटर देन नहीं है तो वन टू, वन थ्री। अच्छा अब ये देखो वन फोर आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे क्वेश्चन में ग्रेटर देन फोर बोला गया है, ये इक्वल टू फोर है इसीलिए यहाँ पे भी ये भी क्या आ जाएगा वन फोर आ जाएगा। नेक्स्ट रो में टू वन टू 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 थ्री टू फोर आ जाएगा, सो ये क्या हो जाएगा टू वन टू 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 थ्री एंड टू फोर। नेक्स्ट रो के लिए देखो टू फाइव टू सिक्स नहीं आएगा क्योंकि इसमें कैसा हो जाएगा ना एक नंबर जो है वो क्या है फोर से ग्रेटर देन है तो वो किसमें वन में आ जाएगा। अब उसके बाद में थ्री के लिए क्या आ जाएगा थ्री वन थ्री टू थ्री 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 फोर और फिर नेक्स्ट फोर वन फोर टू फोर थ्री और फोर फोर आ जाएगा। उसके बाद कोई भी इवेंट नहीं आएंगे क्योंकि फाइव से अगर स्टार्ट करेंगे तो इसमें ऐसे नंबर्स जो हैं उसमें एक नंबर जो है वो क्या है ग्रेटर देन फोर है। तो ये हमने ऐसे ऐसे इवेंट को लिखा जहां पे एक भी नंबर जो है वो फोर से ग्रेटर देन नहीं है, फोर के इक्वल हो सकता है बट फोर से ग्रेटर देन नहीं है। तो देयरफॉर यहाँ पे क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी एन ऑफ एक्स इक्वल्स टू जीरो, काउंट करते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन है। सो यहाँ पे जो सैंपल स्पेस मतलब ये सॉरी ये इवेंट के लिए क्या मिला 16, तो प्रोबेबिलिटी इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स जितना भी इवेंट होगा मतलब जितने भी सैंपल स्पेस होंगे इसके लिए डिवाइड बाय जो भी टोटल सैंपल स्पेस होता है तो 16 अपॉन क्या आ जाएगा 36। ठीक है फर्स्ट कंडीशन हमने सॉल्व कर लिया। अब जब वन होगा इसका मतलब ऐसा इवेंट जब नंबर यहाँ पे ग्रेटर देन फोर फोर होंगे, एक ही नंबर ग्रेटर देन फोर होना चाहिए तो एक्स इक्वल्स टू वन, एक्स इक्वल्स टू वन। सो यहाँ पे देखेंगे तो ये कैसा वन फाइव है वन सिक्स है तो इन दोनों में एक नंबर जो है वो क्या है ग्रेटर देन फाइव मतलब फोर है, वन फाइव वन सिक्स सेम वैसे। सेकेंड रो के लिए क्या आएगा टू फाइव टू सिक्स, थर्ड रो के लिए थ्री फाइव थ्री सिक्स, उसके बाद स्टूडेंट्स फोर्थ रो के लिए क्या आ जाएगा फोर फाइव फोर सिक्स। ठीक है अब लास्ट में मतलब सेकेंड लास्ट रो के लिए फाइव वन फाइव टू फाइव थ्री फाइव फोर ये सब तो आएंगे ही आएंगे बट फाइव फाइव नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा क्योंकि फाइव और फाइव में दोनों नंबर जो है वो ग्रेटर देन फोर हो जा रहे हैं तो फाइव वन फाइव टू फाइव थ्री फाइव फोर। लास्ट रो के लिए सिक्स वन सिक्स टू सिक्स थ्री सिक्स फोर। ठीक है प्रोबेबिलिटी जो है x इक्वल्स टू वन के लिए देखे यहाँ पे कितना हो जाएगा ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन, यहाँ पे भी ये कितना आ रहा है 16, 16 अपॉन 36 आ गया ये। ठीक है और लास्ट के लिए जब x का वैल्यू टू होगा सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू टू के लिए जब x का वैल्यू टू होगा इसका मतलब ऐसे इवेंट जहां पे दोनों भी नंबर जो है वो क्या है फोर से ग्रेटर देन होने चाहिए तो ऐसे कौन कौन से इवेंट मिलेंगे फाइव और फाइव और फाइव और सिक्स, लास्ट में सिक्स फाइव और सिक्स सिक्स। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी एट एक्स इक्वल्स टू टू के लिए कितना आ रहा है फोर आ रहा है आउट ऑफ 36 तो फोर बाय 36। सो इसकी जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा यहाँ पे देयरफॉर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स यहाँ पे हम पहले एक्स लिखते हैं फिर क्या लिखते हैं पी ऑफ एक्स लिखते हैं। सो स्टूडेंट्स एक्स के लिए नंबर क्या मिला जीरो वन टू, जीरो के लिए क्या मिला 16 अपॉन 36, वन के लिए 16 अपॉन 36, टू के लिए 4 अपॉन 36, सबको काउंट करो 16 प्लस 16 32, 32 प्लस 4 कितना हो जाएगा 36, 36 अपॉन 36 कितना आता है 1 आता है। क्वेश्चन में क्या दिया गया था कि जब दो डाइस को थ्रो करोगे तो हमने पहले सैंपल स्पेस लिख दिया बट यहाँ पे कंडीशन क्या दिया था कि जो नंबर है वो क्या होना चाहिए ग्रेटर देन फोर होना चाहिए। सो नंबर ग्रेटर देन फोर तो ऐसे नंबर जो ग्रेटर देन फोर नहीं है और इक्वल टू भी फोर नहीं है
वो उसके लिए जीरो आ जाएगा। फिर वन किसके लिए, ऐसा इवेंट जहां पे नंबर जो है दोनों नंबर में से सिर्फ एक ही नंबर ग्रेटर देन फोर होना चाहिए, और लास्ट में टू है, इसका मतलब दोनों नंबर जो है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन फोर होना चाहिए। ये समझा अच्छे से? ये समझा आप लोगों को कि कुछ डाउट है इसमें? अच्छा अच्छा थैंक यू। नेक्स्ट सम है ये, फ्रॉम अ लॉट ऑफ 30 बल्ब्स। इसमें आप लोगों को पीएनसी का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। अगर आप लोगों को याद होगा बाइनोमियल चैप्टर में, बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर में आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा रहेगा, पी ऑफ कैपिटल एक्स इक्वल्स टू स्मॉल एक्स एन सी एक्स p raise to x q raise to n minus of x होता है। फॉर्मूला क्या है, p of capital x equals to small x n c x। इसका मतलब कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑप्शंस कितने हैं, n का मतलब टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस, ठीक है, n का मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस कितने हैं अपने पास में, और यहाँ पे टोटल सिलेक्शन जितना करना होगा, एक्स का मतलब क्या है, जो भी टोटल सिलेक्शन जो भी करना होगा हमें, और पी का मतलब क्या होता है, पी का मतलब क्या है यहाँ पे सक्सेस, और क्यू का मतलब है फेलियर। जैसे अगर हमें पूछा गया कि फाइव बॉल्स हैं, फाइव में से यहाँ पे कलर जो है वो टू ब्लैक है एंड बाकी थ्री जो है ब्लू है, ठीक है, सो टू ब्लैक है और थ्री ब्लू है। तो अब इसके लिए क्या हो जाएगा कि अब जैसे समझ लो ब्लैक के लिए हमने पी कंसिडर कर लिया और ब्लू के लिए हमने क्या कंसिडर किया, क्यू कंसिडर किया, पी एंड क्यू, तो कैसे ऐसे नंबर्स वगैरह असाइन हो जाते हैं, मतलब जो प्रोबेबिलिटी होगी ब्लैक के लिए वो पी और जो प्रोबेबिलिटी होगा ब्लू के लिए वो क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। सम सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिलहाल के लिए ये फॉर्मूला अच्छे से याद रखना, ये आप लोग, ये मतलब आप लोगों ने पहले भी पढ़ चुके हो ये फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स इक्वल्स टू स्मॉल एक्स, और जो स्टूडेंट लास्ट चैप्टर है ना आप लोगों का, एट्थ चैप्टर, एट्थ चैप्टर पूरा इसी फॉर्मूले पे डिपेंड है और दूसरा कोई फॉर्मूला यूज नहीं होगा, एन सी एक्स पी रेस टू एक्स क्यू रेस टू एन माइनस ऑफ एक्स। देखो ये जो सी का बेस होता है ना, सी का जो बेस होता है वो पी का पावर होता है, और इन दोनों का जो सब्ट्रैक्शन होता है वो कहां पे होता है, क्यू का पावर होता है, ठीक है। सो क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या दिया है, From a lot of 30 bulbs, n का मतलब अब यहाँ पे कितना है, हमारे पास टोटल ऑप्शन जो है वो 30 है, which include six defective A sample of four bulbs is drawn at random with replacement. Find the probability distribution of number of defective bulbs
एक मिनट हाँ, क्वेश्चन नंबर सिक्स देखो पहले क्या दिया है इसमें। फ्रॉम अ लॉट ऑफ 30 बल्ब्स, टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स कितना है यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे टोटल जो नंबर है बल्ब्स का वो कितना है, 30 है, ठीक है, ये टोटल नंबर हो गया। अच्छा विच इंक्लूड 6 डिफेक्टिव, अच्छा इसमें 30 में से डिफेक्टिव कितना है, 6 है, आउट ऑफ 30 में से 6 जो है वो डिफेक्टिव है, 6 जो है वो डिफेक्टिव है। अच्छा तो मतलब वर्किंग कितने होंगे, मतलब जो बल्ब होंगे 30 में से 6 माइनस कर दो 24 हो जाएगा, 24 बल्ब्स जो है वो वर्किंग होंगे, ठीक है। अब 30 में से अगर हम 6 माइनस कर देते तो ये कितना हो जाएगा, रिमेनिंग कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या बोला गया है, फोर बल्ब्स इज ड्रॉन एट रैंडम, तो हमें टोटल 30 में से कितना बल्ब यहाँ पे सिलेक्ट करना है, 4 बल्ब हमें सिलेक्ट करना है एट रैंडम विथ रिप्लेसमेंट। अच्छा विथ रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है कि एक बल्ब अगर हमने सेलेक्ट किया तो उसको हम लोग वापस जो है वहां पे, मतलब बोलते हैं ना जैसे हम लोगों के पास में एक बैग है, ये बैग के अंदर समझ लो अगर यहाँ पे व्हाइट बॉल है जैसे W1 है, W2 है, W3 है और Red 1, Red 2, Red 3 है, ऐसे हैं। तो अगर हमें कोई भी एक यहाँ पे बॉल सिलेक्ट करने के लिए बोला गया, मतलब सॉरी कोई दो बॉल सिलेक्ट करने के लिए बोला गया, तो अगर रिप्लेसमेंट बोला गया है ना, इसका मतलब जैसे Red 1 हमें मिला, मतलब R1 हमें मिला, तो उसको हम लोग वापस बैग के अंदर डाल देना है और फिर वापस R1 आ सकता है, मतलब विथ रिप्लेसमेंट में मतलब कोई भी सेम दोनों आ सकता है, विदाउट रिप्लेसमेंट अगर बोला जाएगा तो मतलब डिफरेंट आएंगे, और अगर रिप्लेसमेंट बोला है मतलब जो इवेंट है वो दो बार आ सकता है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे हमें कैलकुलेट क्या करना है, फाइंड क्या करना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब, तो हमें डिफेक्टिव बल्ब के लिए हमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है। सो हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं जो x है वो क्या है, डिफेक्टिव बल्ब से, लेट x बी द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स। देखो क्वेश्चन क्या दिया गया था, आउट ऑफ 30 बल्ब्स 6 क्या है, डिफेक्टिव है, और 4 बल्ब्स हमें यहाँ पे मतलब सेलेक्ट किया गया है, 4 बल्ब्स सेलेक्ट किया गया है विथ रिप्लेसमेंट बोला गया है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करना है जब नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स होंगे, तो हमने x को क्या कंसिडर किया, जिसको भी हमें फाइंड करना होता है उसको हम कैपिटल x कंसिडर कर लिए, तो x क्या है, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे हमें कितने नंबर सेलेक्ट करने हैं, कितने मतलब बल्ब सेलेक्ट करने हैं, पूरा 30 है, मतलब टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स कितना है, 30 है, बट जो हमें मतलब सेलेक्ट कितना करना है, टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स या फिर नंबर ऑफ टाइम्स वी पिक अ बल्ब इक्वल्स टू 4, नंबर ऑफ टाइम्स वी पिक अ बल्ब इज इक्वल्स टू 4, क्योंकि हमें 4 बॉल्स ही यहाँ पे ड्रॉ करना है, फोर बल्ब ही हमें यहाँ पे क्या करना है, सेलेक्ट करना है। सो पहले हम लोग x को डिफाइन किए, ये क्या है जो हमारा नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स है, और जितने भी नंबर ऑफ टाइम्स यहाँ पे हमें बल्ब को पिक करना है वो कितना है, 4 है, तो नंबर ऑफ टाइम है ना, तो ये जो है वाली वो उसको किससे रिप्रेजेंट करोगे, स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करोगे, किससे रिप्रेजेंट करोगे, स्मॉल एन से। अच्छा प्रोबेबिलिटी कितनी है डिफेक्टिव बल्ब आने के लिए, अब हम प्रोबेबिलिटी कैसे लिखते हैं, जितना भी आउटकम होता है उसको डिवाइड करते हैं टोटल सैंपल स्पेस से, तो 6 डिफेक्टिव है और टोटल में 6 टोटल कितना है, 30 है, तो 6/30 कितना हो जाएगा, 1/5, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी देखो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफेक्टिव बल्ब
प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफेक्टिव बल्ब, देखो टोटल डिफेक्टिव बल्ब 6 है आउट ऑफ 36 में से, सो इसको डिवाइड, सॉरी आउट ऑफ 30 में से इसको डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 1/5, तो प्रोबेबिलिटी कितनी है डिफेक्टिव बल्ब आने के लिए 1/5 है। अच्छा ये पी का वैल्यू तो हमने कैलकुलेट कर लिया, अब क्यू का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे? देखो पी जो फॉर्मूला था ना इसमें पी भी क्यू होता है और क्यू भी होता है, और हमें पता है स्टूडेंट्स जितना भी, और हमने पी को क्या डिफाइन किया सक्सेस और क्यू को क्या डिफाइन किया फेलियर। अच्छा सक्सेस प्लस फेलियर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 100%, समझ लो अगर यहाँ पे 75% स्टूडेंट जो है वो पास है और 25% स्टूडेंट जो है वो फेल है, ये पास है और ये क्या है फेल है, तो टोटल अगर हम इन दोनों के परसेंटेज को ऐड करते हैं तो वो कितना आता है 100% आ जाएगा, जितने भी पास है जितने भी फेल है उनको प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा 100, और ये परसेंटेज में है सो 100/100 लिख सकते हो इसको, तो 100 और 100 कैंसिल होके इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1। इसका मतलब स्टूडेंट जो सक्सेस होता है और जो फेलियर होता है इनको प्लस करने के बाद वो एग्जैक्टली किसके इक्वल आते हैं 1 के इक्वल आते हैं। इसका मतलब ये भी होता है कि जितनी भी प्रोबेबिलिटीज होंगी उनको सब प्लस करके कितना आता था 1, सो यहाँ पे पी प्लस क्यू को भी प्लस करने के बाद कितना आता है 1। हमें पी का वैल्यू मालूम है, क्यू का वैल्यू हम लोग इस रिलेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं, सो हम ये रिलेशन यहाँ पे यूज करेंगे, तो क्या है यहाँ पे पी प्लस क्यू इक्वल्स टू क्या होता है 1 होता है, कि जितना भी सक्सेस होता है प्लस जितना भी फेलियर होता है इक्वल टू क्या आता है 1 आता है। पी का वैल्यू स्टूडेंट क्या है 1/5 है, तो सो 1/5 प्लस क्यू इक्वल्स टू 1, देयरफॉर क्यू इक्वल्स टू 1/5, अगर ये साइड आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा 4/5। एक बार मैं रिपीट करता हूं, हमें नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स कैलकुलेट करना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करना है, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब टेबल कैलकुलेट करना है, सो डिफेक्टिव बल्ब्स के लिए हमें यहाँ पे टेबल कैलकुलेट करना है विथ रिप्लेसमेंट बोला गया है, 4 बल्ब्स सेलेक्ट करना है आउट ऑफ 30 बल्ब्स, 6 उसमें से क्या है डिफेक्टिव है, सो डिफेक्टिव के लिए हम पहले यहाँ पे एक्स कंसिडर करेंगे और जो एन है वो क्या है नंबर ऑफ टाइम्स वी पिक अ बल्ब, मतलब कितने टाइम हमें बल्ब को सेलेक्ट करना है, तो वो उसके लिए कितना आ जाएगा 4। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफेक्टिव बल्ब, तो यहाँ पे जो पी का वैल्यू है वो 6/30, इसका मतलब 1/5, मतलब जो हमें आउटकम चाहिए कौन सा डिफेक्टिव बल्ब के लिए, तो उसका कितना परसेंट ज्यादा मतलब कितना सक्सेस है यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी और सक्सेस ऐसा मतलब प्रोबेबिलिटी मतलब क्या कि जो हमें मतलब चाहिए रहता है, अब यहाँ पे कैसा हो गया है ना कि डिफेक्टिव बल्ब के लिए बोला गया है डिफेक्टिव बल्ब, और मैंने आपको बताया कि जो पी है उसका मतलब क्या था सक्सेस, तो डिफेक्टिव बल्ब के लिए कितनी सक्सेस है यहाँ पे, तो जो उसको हम लोग लेटर रिप्रेजेंट करते हैं उसको पी से बोलते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफेक्टिव बल्ब, हमें डिफेक्टिव बल्ब भी चाहिए था ना, तो इसके लिए सक्सेस क्या आ जाएगा जो टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब होंगे उसको डिवाइड करना है किससे टोटल नंबर ऑफ बल्ब से, तो 6/30, यहाँ पे हमारा सक्सेस कितना है डिफेक्टिव बल्ब के लिए 1/5, और फेलियर मतलब कितने परसेंट चांसेस नहीं है मतलब डिफेक्टिव बल्ब आने के लिए 4/5, सो 4/5 हमने यहाँ पे लिखा, ठीक है। अब उसके बाद में हाँ बराबर 24/30 करेंगे तभी भी वो क्या आ जाएगा 4/5 ही आएगा, करेक्ट है सर। हाँ बोलो, एनसीएक्स का वो तो लग ही नहीं, नहीं नहीं तो अभी अभी हम लोग वही यूज कर रहे हैं क्योंकि हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करना है ना, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करना है, तो हम लोग यहाँ पे पहले वो फॉर्मूला लिखेंगे, देखो वो क्लियर हो जाएगा अभी, यार पी ऑफ कैपिटल एक्स इक्वल्स टू स्मॉल एक्स एन सी एक्स पी रेस टू एक्स क्यू रेस टू एन माइनस ऑफ एक्स, इसका मतलब अब देखो जो डिफेक्टिव बल्ब थे ना वो टोटल तो 6 थे, टोटल कितने थे 6 थे, बट हमें कितनी बार सेलेक्ट करना है 4 टाइम्स सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे जो x है मतलब जो टोटल सिलेक्शन हुआ वो कितनी बार हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा, सो यहाँ पे जो x है तो ऐसा इवेंट जब एक भी डिफेक्टिव बल्ब नहीं है, x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा कि ऐसी प्रोबेबिलिटी जहां पे एक भी डिफेक्टिव बल्ब नहीं है, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। देखो
हमको क्या करना है, बल्ब्स को ना फोर टाइम्स ही सेलेक्ट करना है, तो फोर टाइम्स ही सेलेक्ट करना है। तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे जीरो लिखेंगे। तो अब यहाँ पे एन का वैल्यू जो है, एक बार हम लोग नहीं तो यहाँ पे लिख देते हैं सब लोग, जो हमारा एन है वो कितना है, फोर है। पी का वैल्यू स्टूडेंट 1/5 है, क्यू का वैल्यू हमारा 4/5 है, और फिर देखो नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब जो है, हमें क्या करना है, फोर ही बल्ब सेलेक्ट करना है। अगर हमारे पास फोर बल्ब है तो ऐसी प्रोबेबिलिटी, ध्यान से सुनना, ऐसी प्रोबेबिलिटी होगी या तो सारे के सारे बल्ब जो है उसमें से एक भी बल्ब डिफेक्टिव नहीं है, इसका मतलब जो डिफेक्टिव बल्ब है उसका अमाउंट, मतलब उसका वैल्यू जो है वो जीरो आ जाएगा। इसका मतलब सब बल्ब जो है वो वर्किंग है। अच्छा, वन भी तो हो सकता है, आउट ऑफ फोर बल्ब एक बल्ब जो है वो डिफेक्टिव है, आउट ऑफ फोर बल्ब यहाँ पे दो बल्ब भी डिफेक्टिव हो सकते हैं, थ्री भी हो सकता है और फोर भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो डिफेक्टिव बल्ब है उसका जो नंबर होगा वो क्या आएगा, 0, 1, 2, 3, 4। कैसे, क्योंकि यहाँ पे हमें फोर टाइम्स जो है वो बल्ब को सेलेक्ट करना था, तो आउट ऑफ फोर में से जीरो डिफेक्टिव हो सकता है, एक भी डिफेक्टिव हो सकता है, या तो दो हो सकते हैं या तो थ्री। यहाँ पे मैक्स टू मैक्स जो भी डिफेक्टिव होंगे फोर ही होंगे, क्योंकि कैसे फोर बल्ब ही हमें सेलेक्ट करना है और सिक्स टोटल थे। हाँ, ऐसा। अब इसके बाद में हम यहाँ पे वैल्यूज लिखेंगे। पहले हम डिफेक्टिव बल्ब जो है वो जीरो कंसिडर करते हैं। तो एन का वैल्यू जो है वो हमारा कितना है, वो फोर है। सो एन का वैल्यू हमारा फोर है, तो फोर सी। एक्स का वैल्यू, एक्स का वैल्यू कितना है, जीरो हमने कंसिडर किया था, तो फोर सी जीरो। ठीक है, पी का वैल्यू, पी का वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, 1/5 है। सो ये 1/5 रेस टू एक्स है, रेस टू एक्स मतलब क्या, जीरो। क्यू का वैल्यू 4/5 रेस टू एन माइनस ऑफ एक्स, तो फोर में से जीरो को माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा, फोर। अच्छा, आप लोगों को याद होगा पास्कल से ट्राइंगल, पास्कल से ट्राइंगल देखो हमें कैसे मिलता था। अगर ए प्लस बी द होल रेस टू जीरो है, ए प्लस बी द होल रेस टू क्या है, जीरो है, तो किसी का भी पावर अगर जीरो होता है तो उसका वैल्यू कितना आता है, वन आता है। फिर नेक्स्ट जो है ए प्लस बी द होल रेस टू वन है, एन का वैल्यू मतलब जब पावर जीरो है तो वैल्यू कितना आएगा, वन। जब पावर वन है तो सेम वैल्यू मिल जाएगा ए प्लस बी, अगर स्क्वायर के लिए होगा, ए प्लस बी द होल स्क्वायर, तो उसके लिए क्या मिलता था, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्यूब के लिए, ए प्लस बी द होल क्यूब के लिए, ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ऐसे मिलता था हमें। तो अब इसी से ना हम पास्कल्स ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। देखो पास्कल्स ट्राइंगल के लिए क्या किया जाता है ना, कि जो ए और बी का कोएफिशिएंट है ना, ए और बी का कोएफिशिएंट वैसे ही लिखा जाता है। तो फर्स्ट जो नंबर है यहाँ पे वन है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ यहाँ पे वन। अच्छा, ए का कोएफिशिएंट वन है, बी का भी कितना है, वन है, सो यहाँ पे मैं लिखूंगा वन और वन। ठीक है, फिर स्क्वायर के लिए, मतलब जब x का वैल्यू जीरो है तो क्या आ रहा है, वन। x का वैल्यू जब वन है तो वन वन आ रहा है, जब x का वैल्यू टू है तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, a का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे वन है, यहाँ पे टू है, यहाँ पे वन है, सो ये वन टू वन है। लास्ट में वन थ्री थ्री वन है, लास्ट में वन थ्री थ्री वन। अब आप लोग इसके आगे जैसे a प्लस बी द होल रेस टू फोर के लिए हमें फॉर्मूला पता नहीं है, बट उसके लिए भी फॉर्मूला हम इससे डिराइव कर सकते हैं, ये जो पास्कल से ट्रायंगल है। अब इसमें देखेंगे तो साइड साइड में ना स्टूडेंट्स वन वन लिखा जाता है, यहाँ पे ये वन और लास्ट में ये वन, और बीच में ये दोनों नंबर को प्लस करके उसको मिडल में लिखना होता है, वन प्लस टू इक्वल्स टू थ्री, टू प्लस वन इक्वल्स टू थ्री, ऐसे लिखना होता है। तो नेक्स्ट कैलकुलेट करना है अगर फोर के लिए, एक्स इक्वल्स टू थ्री के लिए, यहाँ पे फोर के लिए, तो साइड साइड में ना वन वन लिखो, यहाँ पे भी वन और यहाँ पे लास्ट में भी वन। अब इन नंबर को प्लस करो, वन प्लस थ्री कितना हो जाएगा, फोर, थ्री प्लस थ्री कितना हो जाएगा, सिक्स, और थ्री प्लस वन कितना हो जाएगा, फोर। ठीक है, सो यहाँ पे वन फोर सिक्स फोर वन आ जाएगा। तो अब देखेंगे तो आप लोग कॉम्बिनेशन में आप लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा रहेगा, एन सी एन सी आर इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। एक्चुअल में ये सब में बहुत सारे कॉन्सेप्ट आ जा रहे हैं, इसके लिए सम थोड़ा सा सिर्फ लेंदे है। अब यहाँ पे कैसा हो गया कि एन सी आर के लिए
एन फैक्टोरियल अपॉन क्या आएगा, एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू क्या आ जाएगा, आर फैक्टोरियल। अब हम देखेंगे ना, तो ये जो है यहाँ पे समझ लो ये x का वैल्यू कितना है, 4 है, मतलब ये 4c0 का वैल्यू होता है, ये किसका वैल्यू होगा, 4c1 का, ये 4c2 का, और ये 4c3, और लास्ट में 4c4 के लिए हो जाएगा। ये ऐसे होते हैं, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे, देखो 4c0 के लिए कितना है, 1 है, और स्टूडेंट्स ये स्टार्टिंग से और एंडिंग से ना वैल्यूज इक्वल होते हैं, तो 4c0 के लिए कितना है, 1 है, लास्ट में 4c4 के लिए भी कितना है, 1 है, सो ये 1 और यहाँ पे भी 1। अब यहाँ पे सेकंड 4 है, यहाँ पे भी 4 है, मिडल में दोनों के लिए कौन है, 6 है, सो 4c0 का वैल्यू जो है वो कितना है, 1 है, और ये 4/5 वैसे ही क्या लिखेंगे हम लोग। अब इसमें कैसे ना, इसमें कैसे हो जाएगा कि यहाँ पे इसको टर्म्स को सिंप्लीफाई मत करो, क्योंकि 5 रेस टू 4 वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, फिर इसको ऐसे रखो 4/5 अच्छा। अब नेक्स्ट जब पी x का वैल्यू 1 होगा, x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1, सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4c1, p का वैल्यू 1/5, c के बेस में 1 है तो यहाँ पे 1, 4/5, 4 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3, ठीक है, तो 4c1। जी सर, the lecture time has ended, we can join with the same link again, okay सर।